Hi guys, what's up? Today we talk about pull-ups and chin-ups. बहुतों को यही डाउट रहता है कि पुलअप्स क्या है, चिनअप्स क्या है. मोस्टली किसी को पुलअप्स बोलो तो वो जाके चिनअप्स करते हैं, किसी को चिनअप्स बोलो तो जाके पुलअप्स करते हैं. बट आज मैं क्लियर करूँगा कि पुशअप्स में कहाँ इफेक्ट आता है और चिनअप्स में कहाँ इफेक्ट आता है. आज सारी चीज़ें इसी बात पर डिस्कस होंगी कि पुलअप्स और चिनअप्स में डिफरेंस क्या है. ओके, तो हम फटाफट बात करते हैं. पहले बात करते हैं हम पुलअप्स की. पुलअप्स में हमारी जो ग्रिप की पोजीशन होती है वो प्रोन ग्रिप होती है, यानी नीचे की साइड यानी ग्रिप करेंगे, हाथ नीचे साइड पर ग्रिप करेंगे बार को. और ये थोड़ा चिनअप से ज़्यादा मुश्किल होता है, थोड़ा सा मुश्किल होता है ज़्यादा. और इसके अधिकतर इफेक्ट लैटिस में डोर्सी मसल यानी बैक की मसल पर आता है. बैक की मसल मीन्स बैक की इस साइड की मसल पर आता है. तो देखते हैं कि पुलअप्स किस तरह करते हैं. जैसा कि आपने देख ही लिया है कि पुलअप्स किस तरह करते हैं, तो हम फटाफट बात करते हैं चिनअप्स की. चिनअप्स थोड़ा ये पुलअप से ईजी होता है और इसका ज़्यादातर इफेक्ट बाइसेप्स की मसल पे आता है. और ये इसकी ग्रिप सुपाइन ग्रिप होती है, यानी ऐसी ग्रिप होती है. इसको अंदर से पकड़ते हैं और पुल करते हैं, इससे बाइसेप्स पे ज़्यादा इफेक्ट आता है. तो फटाफट हम ये भी देख लेते हैं कि चिनअप्स किस तरह होता है. और ये थोड़ा पुलअप से ईजी होता है. नाउ लेट्स सी. Thank you.